भगवान, खजाना कहाँ चला गया? चीता, संतू, जल्दी आओ, देखो चिंटे। सॉरी, छोड़ो, ये देखो खजाना कहाँ चला गया। खजाना कहाँ चला गया पुष्पा जी? हम भी तो वही कह रहे हैं कि खजाना कहाँ चला गया, समझ में नहीं आ रहा। नवाब साहब को क्या जवाब देंगे? वो नवाब साहब को जवाब देना है, मैडम सर को कुछ नहीं बोलना। मैडम सर तो इनकी पराई है, नवाब साहब इनके अपने हैं ना। अबे भाग, कुछ भी बकैती किए जा रहे हो, जवाब तो दोनों को देना है ना, मैडम सर को भी और नवाब साहब को भी। पुष्पा जी, नवाब साहब, पुष्पा जी, नवाब साहब, आप आ गए। बहुत लंबी उम्र है आपकी, हम बस आप ही को याद कर रहे थे अभी। और हम हाजिर। यादों की कशिश कुछ ऐसी होती है पुष्पा जी, कि खुशबू की तरह खिंची चली आती है। अच्छा सोचिए कि हमने सपने में किसे देखा। अपनी मरहूम नानी साहिबा को। नवाब साहब, आपके तो सपनों की भी उम्र होती जा रही है। तो हमारी नानी ने हमसे कहा कि बेटा फकरू, ये जो खजाना ये हवेली में निकला हुआ है ना, नवाब साहब, आपकी मनहूस नानी से मरहूम नानी साहिबा के बारे में आप कह रहे थे ना कुछ। तो वो बोलने लगी कि बेटा फकरू, अरे खजाना ये हवेली के अंदर निकला हुआ है, ये तुम्हारी अमानत है। और उन्होंने कहा जाके एक बार देख आओ जाके कि वो महफूज जगह पे रखी है कि नहीं। तो बस पुष्पा जी वही देखने चले आए। बस एक बार हम खजाने का दीदार कर लें, उसके बाद हम चले जाएंगे। है? अरे खोलिए खोलिए, अरे ढक्कन खोलिए संदूक का। मत देखिए नवाब साहब, आप फिर से बेहोश हो जाएंगे। अरे मोहतरमा, वो तो अचानक झटका लगा था ना, इसी वजह से। और तुम्हें पता नहीं, अरे हम ना खजाने के ढेर में ही पैदा हुए हैं, हमको कुछ नहीं होगा। अरे हमने बड़े बड़े खजाने देखे हैं, अरे इसमें क्या कुछ नहीं है। जी कुछ नहीं है इसमें, चीते दिखा दे। खाली है, चोरी हो गया। फोन लगाइए पुलिस को, पुलिस तो हमें नवाब साहब। नहीं नहीं, डॉक्टर को। हाँ तो मौलाना बुलाना पड़ेगा, कब्रिस्तान में जगह बुक करना पड़ेगा। गए मर गए नवाब साहब। चुप चुप चुप, क्या बके जा रहे हो तुम? जीते नवाब साहब को संभालो। नवाब संतू, मैडम सर को फोन लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा खजाने के बारे में। हाँ संतोष, कहो। मैडम सर, वो एक फेवर चाहिए था। कैसा फेवर? अब वो मैडम सर, आपको लाइफ में जब भी जूस पीने का दिल करे ना, तो आप दीवान चौक पर जाइएगा, वहाँ पे फ्रेश जूस मिलता है और बहुत अच्छा जूस मिलेगा। और आप बाकी लोगों को भी बताइए कि वहाँ पे आकर जूस पिए। क्या, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, क्योंकि मैं पुष्पा जी और चीता, हम तीनों जूस की दुकान खोल रहे हैं। तुम जूस की दुकान क्यों खोलोगी संतोष? वो मैडम सर, वो नौकरी जाने के बाद कुछ तो करना पड़ेगा ना, पापी पेट का सवाल है, इसलिए हम तीनों पार्टनरशिप में जूस की दुकान खोल रहे हैं। तुम्हारी नौकरी क्यों जाएगी संतोष? वो मैडम सर, वो जब आपको पता चलेगा कि थाने से खजाना चोरी हो गया, तो अब सबसे पहले नौकरी हमारी जाएगी ना, तो इसलिए हमने सोचा हम जूस की दुकान खोले। पर मैडम सर, आपके लिए लाइफ टाइम तक जूस फ्री रहेगा, लेकिन आपके थ्रू जो भी आएगा ना, उसका कमीशन आपको हम देंगे 20%। हाँ, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी संतोष, हम जानते हैं कि खजाना चोरी हो गया है और ये कयामत का काम, हम उसे पकड़ के अपने साथ थाने ला रहे हैं। ये क्या कयामत पकड़ी गई? हाँ पकड़ी गई, और हम उसे अपने साथ लेकर आ रहे हैं।
कयान पकड़ा गई। ला लो फोन फोन फोन। हाँ हाँ दे दो। मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। हमें पता था आप ही ये काम कर सकती है, क्योंकि आप में वो हिम्मत है, वो जज्बा है कि आप कयामत को पकड़ सके। लाइए उस करमचली नागपुटी कयामत को हमारे सामने लेकर आइए। हड्डी पतली ना एक कर दी उसकी ना, तो हमारा नाम ही पुष्पा सिंह नहीं। हाँ वैसे ये कयामत है कौन? हम उसे थाने लेकर आ रहे हैं पुष्पा जी, खुद ही देख लीजिएगा। लाइए लाइए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। नौकरी नहीं जाएगी हमारी, बच गई नौकरी, बच गई। पुष्पा जी, नवाब साहब, हम उनके लिए कब्रिस्तान में जगह बुक कर दी है हम। संतो जी कुछ भी बकेती किए जा रहे हो तुम, नवाब साहब को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम करो, जाओ। नौकरी बच गई। अभी तो इतना उछल रहे हैं, जब पता चलेगा असली कयामत कौन है सबकी हवा गुल हो जाएगी। मैडम सर, हम जानते हैं विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन सच वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है। हमें मजबूर किया गया, मतलब कयामत को मजबूर किया गया वो सब करने के लिए जो हम नहीं करना चाहते थे। ठीक वैसे ही जैसे आप भी एक बार मजबूर हुए थे और आपने भी वो सब किया था जो आप नहीं करना चाहती थी। मैडम सर, बस आप यूं समझ लीजिए कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। करिश्मा सिंह, वो सिचुएशन कुछ और थी, वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ हुआ था और ये क्रिमिनल के साथ हुआ है। हम जानते हैं मैडम सर, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, हमने जो ये ड्रामा किया, ये कयामत बनने का, ये हमने बहुत गलत कदम उठा लिया, लेकिन हमारी मंशा, हम आपकी मंशा बहुत अच्छे से जानते हैं करिश्मा सिंह। थाना कॉम्पिटिशन में महिला पुलिस थाने को जितवाना चाहती थी ना आप, इसीलिए रात को कयामत बनकर केस बाहर की बाहर निपटा देती थी, ताकि कोई केस दर्ज ही ना करे और हम कॉम्पिटिशन जीत गए। आपकी मंशा कितनी भी अच्छी रही हो, आपने जो किया है वो गलत है और आप एक गुनहगार हैं। एक गलती 10 बुराइयों के लिए रास्ता खोल देती है और आपकी इस गलती का फायदा उठाया उस नकली कयामत ने। आप जानती थी वो हमें ब्लैकमेल कर रही है? हाँ हम जानते थे, हम उसी दिन समझ गए थे जिस दिन आपने जानबूझकर हमारा फोन गिराकर तोड़ दिया। शक तो हमें उसी दिन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, और फिर हमने आपको नकली कयामत से फोन पर बात करते हुए सुना। इस 70 के जमाने का डायलॉग मारने का जरूरत नहीं है हमारे सामने, समझ गई तुम? क्या करना है हमको ये बताओ। मतलब आप जानती थी कि हम आपका प्लान कयामत को बताने वाले हैं? हाँ हम आपका प्लान अच्छे से जानते थे, लेकिन हम ये भी जानते थे कि आप कयामत की तरफ कभी भी नहीं थे, और इसी वजह से हमारे लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि उस दिन डीएसपी सर को हमारी मदद के लिए फोन करके आप ही ने भेजा था। लेकिन एक बात समझ लीजिए करिश्मा सिंह, आपका एक अच्छा काम कर देने से आपकी सारी गलतियां माफ नहीं हो जाती, कानून की नजर में आप अब भी एक बहुत बड़ी क्रिमिनल है। हम जानते हैं मैडम सर, सच कह रहे हैं, हमें दिल से पछतावा है इस बात के लिए, बहुत शर्मिंदा है हम खुद से, अपनी वर्दी से और आपसे। बस एक लास्ट चांस हमको मिल जाए ना मैडम सर, एक लास्ट चांस, ताकि हम उस नकली कयामत को अपना भौकाल दिखा सके, बस उसके बाद कानून हमें जो सजा देगी ना मैडम सर, हम खुशी खुशी सहलेंगे। बस एक लास्ट चांस हमें दे दीजिए, ताकि हम उसको दिखा सके कि हम क्या चीज है। हम समझ रहे हैं मैडम सर, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया और वादा करते हैं कि आगे से ये बात हम ध्यान रखेंगे, पर अभी फिलहाल हमारे विचार से हमें ये जानना जरूरी है कि वो नकली कयामत कौन है और वो कहाँ होगी इस वक्त। अभी इसकी क्या जरूरत नहीं, हम जानते हैं। क्या अब जानती है नकली कयामत? आप जानती है नकली कयामत कौन? हाँ कौन है मैडम सर, मतलब हमें भी जानना है कि कौन है वो जो हमें इतना तंग कर रही है, हम सबको इतना तंग कर रही है। ये वही है जिसने कुछ महीनों पहले एक पुलिस ऑफिसर यानी हमारा रूप लिया था और आज एक क्रिमिनल कयामत का रूप लिया है। मैडम सर, आज तो इससे निपट ही लीजिए आप। रानी, इसकी
मैया का सास। सॉरी मैडम सर, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो रानी है? आपको कब पता चला? कहाँ ढूंढा आपने? होली के दिन जब वो हमारी रिंग लेकर वहां से भागी थी तब हमने उस पर गोली चलाई थी, उसके ब्लड सैंपल को फिर हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड से क्रॉस चेक किया, तब हमें पता चला कि वो रानी है और कुछ ही महीनों पहले जेल से भागी। इस रानी का तो हम ऐसा मसाला कूटेंगे ना मैडम सर, अब देखिएगा। क्या करेंगे आप जानती भी हैं कि वो कहाँ छुप कर बैठी है? नहीं, पर क्या आप जानती है वो कहाँ छुप कर बैठी है? आप जानती है वो कहाँ छुप कर बैठी है? बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत मजा आएगा, उसको दिखाएंगे हम अपना भौकाल। चलिए मैडम सर, हम आपको अपने साथ नहीं ले जाएंगे। साथ तो ले जाना होगा मैडम सर, आप एक अपराधी को अकेला तो नहीं छोड़ सकती, अभी आपका मजबूरी हो गया मैडम सर। ठीक है, लेकिन आप कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे। वादा वादा है कि हम कोई ऐसा वैसा हरकत नहीं करेंगे, और ये पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। चले मैडम सर, चले। कितनी कीमत है इस खजाने की? कितने हजार करोड़ देने वाले हैं आप हमें? 1,000। एक हजार करोड़? हे भगवान, मेरा तो सर घूम रहा है। एक मिनट। मैडम एक गोली और खा लीजिए, क्योंकि जोर का झटका आपको धीरे से लगने वाला है। क्या मतलब? मेरा मतलब है 1,000 रुपये 500 के सिर्फ दो नोट। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सही है, उतने का ही है नकली खजाना। नकली खजाना? हाँ जी, ये सब नकली है, 1,000 रुपये दे रहा हूँ, बहुत समझिए। क्या बकवास है ये? एंटीक ट्रेजर है ये, पुश्तैनी हवेली से निकला है, सरकार ने भी करोड़ों में आकी है इसकी कीमत। मेरा गला दबाने से नकली खजाना असली नहीं हो जाएगा मैडम, ये सब नकली है। छोटे मोटे कलाकार नाटक मंचन करते हैं इसे पहनकर। मुझे लगता है किसी ने आपको बड़े वाला बेवकूफ बनाया है। करिश्मा सिंह, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? उसने नहीं, हमने। हाथ ऊपर। कैसे ढूंढा? तजुर्बा कहता है हमारा कि समझदार को सच, बेवकूफ की हां में हां, घमंडी को वफादारी दिखाकर और लालची इंसान को लालच दिखाकर काबू में लिया जा सकता है। GPS ट्रैकर, तुम्हें पकड़ने के लिए ही ये खजाना थाने में प्लांट किया गया था। का? हाँ, ये हमारा DSP सर का प्लान था। जिस दिन ये खजाना थाने में मिला उसके ठीक एक दिन पहले हम और DSP सर एक मीटिंग में थे, तब हमने ही ये प्लान बनाया था और रातों रात इस खजाने को थाने की दीवार में चुनवा दिया। हमने ही चीता को उस दीवार पर फ्रेम टांगने के लिए कील लगाने को कहा था, और बदनाम से चाय भी हमने ही मंगवाई थी जो इकबाल लेकर आया था, ताकि खजाने की खबर बाहर फैल सके और कयामत तक पहुंच सके। हमने जानबूझकर इस प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताया, ताकि अगले दिन जब ये खजाना मिले सबका जेन्युइन रिएक्शन मिले, और ये खबर फैलते हुए पहुंचे तुम्हारे पास। तुम्हें खजाने के बारे में पता चलेगा तो तुम खजाने को ढूंढते हुए आओगी ही, और तब हम तुम्हें पकड़ लेंगे। चलो एक शेर सुनाते हैं तुम्हारे लिए।
मंजिल की चाह ही काफी नहीं मंजिल राह के लिए, नेक नियत भी बड़ी जरूरी है किसी हासिल के लिए। वाह 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 मैम, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब आपके इस शेर के बदले हम कुछ अर्ज ना करें, ऐसे भी अदब तो हम भी नहीं मैडम। तो सिर्फ आपके लिए, अब रहा नहीं शहर ये तेरा रहने के काबिल, चुका ले तू भी कीमत अपनी, मैं भी दे दूं हिसाब, सब निपटाकर चल कहीं और चलते हैं। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, मैडम जरा उनको पकड़िए, उनको पकड़िए, रुकिए, चलो। अरे माफ कर दीजिए मैडम, पर हमने ये कुछ से नहीं किया, ये सब हमें इन्हें करने को बोला था, यही हमारी बॉस, यही है असली कयामत मैम, सब इन्होंने करवाया। अगर सजा देनी है तो दोनों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। मैडम मैडम हमें छोड़ दीजिए। उठो, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें क्यों लगा दिया हथकड़ी, हम असली कयामत नहीं है, ये असली कयामत है। आपको सबूत चाहिए ना, हम आपको सबूत देते हैं, ये देखिए इसमें एक वीडियो, आपको पता चल जाएगा कौन है असली कयामत, देखिए आप। तो किस सबूत की बात कर रही थी तुम? अरे मैडम वही सबूत जो आपने बर्बाद कर दिया। अब ये सबूत तो बर्बाद हो चुका है, कोई और सबूत है तुम्हारे पास कि ये असली कयामत है? नहीं ना, तो दुनिया और कानून की नजरों में तुम हो असली कयामत, यू आर अंडर अरेस्ट। आसानी से तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे हम हसीना मलिक, दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि यही असली कयामत है। उसी दुनिया के सामने ना तुम्हारा दांत फोड़ देंगे हम, फिर उस दुनिया को कभी चेहरा नहीं दिखा पाओगी, समझ गई तुम? करिश्मा सिंह अब ठीक है? जी मैडम सर, हम ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमारे राज को राज रखा और किसी को नहीं बताया। सच कहे तो हम आपको कभी समझ नहीं पाएंगे मैडम सर, माफ कीजिएगा, लेकिन हमसे उल्टा खोपड़ी तो आप हैं, कब क्या करती हैं, क्या कर जाएंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। हमने आपका जान बचाया है, इसके बदले में आपने? नहीं करिश्मा सिंह, आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए हम जिंदगी भर आपके एहसान मंद रहेंगे, लेकिन हमने ये सब उसके बदले नहीं किया है। हमने ये सब इसलिए किया है क्योंकि अगर आपकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती तो हमारे थाने की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, और हम ऐसा तो हरगिज़ नहीं होने देंगे, इसीलिए हमने ये सब किया है। लेकिन एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपने दोबारा कभी इस तरह की कोई गैर कानूनी हरकत की तो आप दुनिया की कोई ताकत आपको हमसे नहीं बचा सकती। आप अच्छे से जानती हैं कि ये वार्निंग नहीं है, क्योंकि हम आप वार्निंग नहीं देती, आपको जो करना होता है वो आप कर दिखाती है मैडम सर। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे मैडम सर, और ये तो पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। चले क्या?
जी मैडम सर और डीएसपी सर ने मिलकर कयामत को पकड़ने के लिए ये प्लान बनाया था और देखो वो पकड़ी भी गई। माँ क्या बिल्ले आप नहीं वो ऊपर वाले माँ माँ तेरा बिल्लू फिर से गरीब हो गया माँ मेरे क्वार्टर का नल फिर रह गया। सोचिए ना संतु जी हमारा पहाड़ वाला घर तो बनने से पहले उजड़ गया। सोने की सलाखे सोने का चमक रहा है सब। खैर सब जो कुछ भी हुआ खुशी तो ये बात का है कयामत पकड़ी तो गई कम से कम। अरे भाई मुबारक हो भाई आप लोगों को है? अरे कयामत की बच्ची को पकड़ा और फौरन उसको जेल में भेज दिया। बस इसी बात पे आप हमारा ये जो खजाना है ना इसे वापस कर दीजिए नवाब साहब। खजाने के बारे में हम बात नहीं करें तो अच्छा है जाने दीजिए ना। अरे क्यों ना करें जी क्योंकि बताएंगे तो आप सह नहीं पाएंगे और फिर से बेहोश हो जाएंगे। अरे मोहतरमा अरे इतनी नाजुक तबीयत थोड़ा है हमारी। अरे हम बहुत बड़ा कलेजा लेके घूमते फिरते रहते हैं। बोलिए बोलिए क्या बात है। खजाना नकली है। हैं ये फिलहाल